हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। पानी हमारे धरती की या कहें तो हमारे ब्रह्मांड की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए तो हर देश इतना रुपया खर्च करता है नए नए ग्रहों पर रिसर्च करने के लिए और नए नए रोबोट्स को उतारने के लिए। लेकिन क्या जहाँ पर ये है अर्थात हमारी धरती पर, वहाँ पर क्या इसकी कदर हो रही है? हम इतना रुपया जो दूसरे ग्रहों पर रिसर्च करने और रोबोट उतारने पर कर रहे हैं, क्या उसका कुछ परसेंटेज भी हम पानी को सेव करने के लिए लगा रहे हैं? अगर शायद हम कुछ परसेंटेज ऑफ मनी पानी को सेव करने पे धरती पर ही लगा दें तो शायद वो ज़्यादा कामगार होगा नए नए रिसर्च करने से। हम सभी चाहते हैं कि पानी को सेव करें, लेकिन कभी कभी बहुत बड़े स्टेप्स लेने के चक्कर में हम छोटे छोटे स्टेप्स को भी लेना भूल जाते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें केवल थोड़ी सी समझदारी से हम बहुत सारे पानी को साल भर में बचा सकते हैं, और ये स्टेप आप अपने घर पर ही यूज कर सकते हैं। नंबर एक, आरओ। हम सभी जानते हैं कि एक ग्लास पानी निकालने के लिए आरओ कम से कम 3 ग्लास पानी को वेस्ट कर देता है। क्या उस पानी को हम डायरेक्ट नाली में बहा सकते हैं? वह ऐसा पानी नहीं है कि हम उसको रीयूज ना कर सकें। इसलिए आप कोशिश करें कि उसको किसी कंटेनर में या बाल्टी में कलेक्ट करके उसको फ्लोर वॉशिंग, कार वॉशिंग या गमलों में डालने के लिए या फिर अपनी बाइक को वॉश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नंबर 2, समरसेबल। आज के समय में शायद आप देखेंगे तो हर घर में समरसेबल उपलब्ध होगा, यहाँ तक कि गांव भी अब इससे दूर नहीं रहे हैं। ये एक तरीके से हमारी सुविधा के लिए आया था कि हमें ज्यादा नल ना चलाना पड़े, लेकिन आज के समय पर यह हमारे लिए आलस का भी एक बहुत बड़ा स्टेप बन गया है। हम समरसेबल चलाने के बाद भूल ही जाते हैं कि उसको ऑफ भी करना है, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी बहता रहता है। आखिर इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं? आज के समय पर मार्केट में बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो समरसेबल को ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ कर सकती हैं। आप कोशिश करें कि उनका यूज करें। अगर आप नहीं भी चाहते हैं कि अपने आप ऑन ऑफ हो, तो आप एक ऐसे अलार्म को यूज कर सकते हैं कि टैंक भर जाने के बाद वो आपको किसी साउंड प्रोड्यूस के थ्रू आपको इंडिकेट कर देगा कि टैंक भर चुका है, अब आप इसको ऑफ कर दीजिए। ये स्टेप केवल आप 200-300 रुपए खर्च करके भी कर सकते हैं, और इससे आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। स्विच ऑफ तो आप वैसे भी करते हैं, बस ये हो जाएगा कि जैसे ही इंडिकेशन आपको मिलेगा आप तुरंत स्विच ऑफ कर देंगे और बहुत सारे पानी को आप बहने से बचा सकते हैं। नंबर 3, वॉशिंग। अधिकतर हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपने फ्लोर वॉशिंग, कार वॉशिंग या बाइक वॉश में बहुत सारे पानी को यूज करते हैं। आप अगर बहुत साल पहले जाएं, आज से लगभग 10 साल पहले भी अगर जाएं, तो आप देखते होंगे कि हम लोग पहले क्या करते थे कि अगर हम अपनी कार को वॉश कर रहे होते थे या बाइक को वॉश करते थे, तो एक बाल्टी में पानी भर के उसमें शैम्पू या किसी भी चीज को यूज करके हम कपड़े से उसको साफ करते थे। ज्यादा पानी उस पर पानी के प्रेशर को गंदगी हटाने के लिए यूज नहीं करते थे, लेकिन आज के समय में हमने कपड़ा तो दूर ही रख दिया है। एक तरीके से हम जब भी देखते हैं तो कभी भी अगर हम कार वॉश भी कर रहे होते हैं तो उस पर जो गंदगी लगी होती है हम कोशिश करते हैं कि वो पानी के प्रेशर से ही साफ हो जाए, लेकिन जिसकी वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। आप थोड़ा सा एफर्ट करके जो आप गंदगी हटाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा पानी डालें और उसके बाद उसको कपड़े से या किसी और चीज से हटाने की कोशिश करें, चाहे आप फ्लोर वॉश कर रहे हो, कार वॉश कर रहे हैं या बाइक वॉश कर रहे हैं, जिससे कि आप बहुत सारे पानी को बचा भी सकते हैं। नंबर 4, फूड कंटेनर। अधिकतर हम लोगों ने देखा होगा पार्टी या शादी में हम पर प्लेट कॉस्ट बचाने के लिए एक ही प्लेट में 2-3 लोग लग जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन हम अपने घरों में ऐसा नहीं करते हैं। हम अपने घरों में पूरे दिन में ही 2-4 बार तो अपने ग्लास को यूज कर लेते हैं बदल बदल कर, और प्लेट को भी हम एक ही बार खाके उसको रख देते हैं। कोशिश करें आप कि पूरे दिन में आप अगर पानी पीना चाहते हैं तो एक कोई फूड कंटेनर यूज कर लें या फिर एक बॉटल यूज कर लें, जिससे कि आप उसी बॉटल में पूरे दिन पानी पिएं और ग्लास को बार बार यूज करने से बचें। दूसरी चीज, अगर आप चाहें तो आप जिस प्लेट में भोजन कर रहे हैं उसी प्लेट में अपने भाई या अपनी वाइफ या किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इसी में भोजन कर लें, दूसरे बर्तन को करने की जरूरत नहीं है, जिससे कम बर्तन होंगे और पानी का भी कम यूज होगा। और वैसे भी कहा गया है कि साथ खाने से प्यार बढ़ता है, तो साथ एक थाली में ही क्यों ना खा लिया जाए, तो शायद ज्यादा ही प्यार बढ़ जाए। नंबर 5, लीकेज। अधिकतर हमारे घरों में कुछ ऐसे नल होते हैं जिनसे लीकेज होता रहता है।
क्योंकि वो ड्रॉप वाइज ड्रॉप होता है, तो इसलिए हम ज्यादा उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। हमें लगता है क्या होगा इससे, कोई बात नहीं, हम बाद में सही करा लेंगे। अपने काम की व्यस्तता की वजह से हम उसको सही नहीं करा पाते और बहुत सारे पानी को हम ऐसे ही वेस्ट करने देते हैं। अब हमें लग रहा होगा कि ड्रॉप बाई ड्रॉप से क्या कितना पानी वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि एक बार उस नल के नीचे बाल्टी लगाकर देखें, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम पूरे साल में कितने गैलन पानी को हम वेस्ट कर देते हैं केवल लीकेज की वजह से। तो आप कोशिश करें कि इस पानी को बचाएं और अपने घर में जो भी लीकेज नल हैं या टोटी हैं आप उनको सही करा लें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टेप अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप अगर चाहते हैं कि और भी एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं तो आप और भी वीडियोस को या गूगल पे और भी तरीके हैं जिन्हें आप सर्च करके उन्हें अपना सकते हैं। मैंने जो इस वीडियो में ये तरीके बताए हैं वो सिर्फ ऐसे हैं कि आप थोड़ी सी समझदारी अगर दिखाएं तो भी हम बहुत सारे पानी को बचा सकते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप इन तरीकों को जरूर अपनाएंगे अपने घरों में और दूसरों को भी प्रेरणा देंगे कि वो भी इन तरीकों को अपनाएं। अगर आप किसी तरीके का सजेशन या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू।